इसके पहले 2 मार्च 2016 को यानी लगभग 6 माह पहले शहाबुद्दीन को एक दूसरे मामले में भी बेल प्राप्त हुआ, परंतु सरकार ने 6 माह के बाद भी इस बेल को रद्द करने के लिए चुनौती नहीं दी। यह अभी का मामला तीसरे भाई का है जिसकी हत्या 2014 में हुई, लेकिन जो दो अन्य भाई गिरीश राज और सतीश राज जिसकी हत्या 2004 में हुई, तेजाब से नहलाकर जिनकी हत्या की गई, उस मामले में मोहम्मद शहाबुद्दीन और अन्य लोगों को आजीवन कारावास की सजा हो गई। और उस आजीवन कारावास की सजा वाले मामले में 2 मार्च 2016 को पटना उच्च न्यायालय से उनको जमानत मिल गई। मेरा सवाल यही है, जब कांड में दोनों भाइयों की हत्या में सजा याफ्ता शहाबुद्दीन की बेल को भी रद्द करने का आग्रह किया था, आधे घंटे में प्रशांत भूषण जी का ट्वीट से मेरे पास जवाब आया जो उनके ऑफिशियल अकाउंट में है, जो मैंने कोट किया है, विल फाइल टू कैंसिल बेल ऑफ शहाबुद्दीन इन द ट्विन मर्डर केस ऑल्सो, शॉकिंग दैट ही गॉट बेल डिस्पाइट सेंटेंस। यानी 6 महीना पहले जिस मामले में शहाबुद्दीन को बेल हो गया, सरकार ने 6 महीने के बाद भी उसको चुनौती नहीं दी, और अभी भी सरकार की कोई मंशा और कोई नियत दिखाई नहीं पड़ रही है। जब प्रशांत भूषण जी को मैंने आग्रह किया तो उन्होंने कहा कि इस मामले को भी मैं और सुप्रीम कोर्ट में और चुनौती दूंगा। साथ ही साथ शहाबुद्दीन से जुड़े सभी मामलों की मॉनिटरिंग और पटना हाईकोर्ट के एक बेंच से करवाया गया, जिसे चारा घोटाले के केसेस के मामले की मॉनिटरिंग पटना हाईकोर्ट कर रहा था। तो शहाबुद्दीन से जुड़े मामलों की जो मॉनिटरिंग है वो पटना हाईकोर्ट की एक स्पेशल बेंच से करवाया जाए, और साथ ही मैं बिहार की जनता से अपील करूंगा कि जो सोशल मीडिया है, माइक्रो ब्लॉगिंग जो साइट्स है, फेसबुक हो, ट्विटर हो, अन्य जो है, इसका इस्तेमाल कर सर्वोच्च न्यायालय को अपनी भावना से अवगत कराएं। और मैं बिहार के लोगों से अपील करूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग और सर्वोच्च न्यायालय को अपनी भावना से अवगत कराइए कि बिहार के लोग चाहते हैं कि शहाबुद्दीन की बेल खारिज होनी चाहिए। सरकार ने जेल से बाहर क्यों निकलने दिया? आतंक के जुलूस को सैकड़ों गाड़ियों के साथ भागलपुर से सिवान तक क्यों जाने दिया? चंदा बाबू के घर के सामने क्यों पटाखे छोड़ने दिया गया? तो तैयार हो तो एक दर्जन मुकदमा पर ही चल रहा, मानहानि से लेकर बाकी एक दर्जन नोटिस, एक और नोटिस दे दी क्या? हेलो,